छिंदवाड़ा के एक 52 वर्षीय ज्वेलर्स की हाथ में लगी गोली की चोट को ठीक करने के लिए किम्स किंग्सवे अस्पताल के डॉक्टरों ने स्मार्ट लेप्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल किया। अक्सर लोग लेप्रोस्कोपी को आम तौर पर पसंद नहीं करते, पर इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले डॉक्टर सुशील लोहिया ने बताया कि स्मार्ट लेप्रोस्कोपी प्रमुख पेट के ऑपरेशन के लिए उपचार की एक नई आगामी मानक रेखा है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा के रहने वाले एक ज्वेलर सोहम तांबकार को उसी की दुकान में आए चोरों ने गोली मार दी, जो कि ज्वेलर की आंतों में जा लगी। बड़ी चीरे या ओपन सर्जरी से बचते हुए ज्वेलर की आंत में लगी चोट को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया। डॉक्टरों के मुताबिक दुनिया भर में लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल केवल बंदूक की गोली के घाव के निदान के लिए किया जाता है। ऐसे मामलों में लेप्रोस्कोपी का प्रमुख लाभ ये है कि रोगी को बिना किसी आघात के जल्द से ही सक्रिय और छुट्टी दे दी जाती है। दो बार गोली मारने के बाद ज्वेलर के बाएं ऊपरी पेट में गोली जा लगी थी, जिससे उसके वृषण में छेद हो गया था। 6 घंटे के भीतर शहर के किम्स किंग्सवे अस्पताल आने से पहले उन्हें छिंदवाड़ा के 2 स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया था, पर किम्स किंग्सवे अस्पताल में उनका लेप्रोस्कोपी के जरिए उपचार किया गया। लेप्रोस्कोपी को आम तौर पर लोग पसंद नहीं करते, पर इस उपचार पर अपना अनुभव साझा किया है खुद पीड़ित ज्वेलर ने। सोहन ताम्रकार नाम, पिता का नाम कन्हैयालाल ताम्रकार, छिंदवाड़ा MP जी। हाँ, और हमारी दुकान है दुर्गा सिंह ज्वेलर्स नाम से, सोनी चांदी की जी। मतलब छिंदवाड़ा में सराफा मार्केट में जी। तो सुबह 10 बजे मैं काउंटर में था, तो अचानक एक जन आया माउजर लेके ऐसा, वो और एक उसने बैग निकाला और वो बोले कि ये जो सोने से भर दो बैग में, बोले। मैंने, तू पागल हुए क्या? मैंने उसको गुस्से से चमकाया, तो फिर ऐसे ही बंदूक छीना छाने की थोड़ी सी चिकलस होने लगे। फिर उसने एक गोली चला दिया पेट में, एक गोली पेट में चली, मुझे याद नहीं मतलब उस समय। फिर मैं बाहर रह गई कि कुर्सी लेके आया, तो उसको मैंने मारा। फिर उसने एक गोली फिर चला दिया, तो फिर एक गोली घुटने के पास लगी, पैर पे। फिर उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा, बाहर आया तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर कुर्सी रखी थी बाहर, फिर बेटा आया हमारा, फिर बेटे ने मतलब उसको बेटे ने पकड़ा, फिर मैंने पकड़ा। फिर पूरे मोहल्ले वाले थे तैयार डंडा लेके, फिर सब ने उसको मारे जी। हाँ, और फिर हमारी बहू ने देखी, अरे पापा बोले गोली लग गई, फिर उन्हें अस्पताल ले गई थी। फिर जिला अस्पताल गए हम लोग, फिर जिला अस्पताल में जो उनके जो फॉर्मिटी होती है वो हुई, फिर वहाँ से हम लोग गए थे आरोग्य अस्पताल, वहाँ आधे घंटे रहे, वहाँ पे कुछ एक्सरे वगैरह हुए, सीटी स्कैन वगैरह के। फिर वहाँ पे हमने बोले हमको नागपुर जाना, फिर हमारे जो सब बड़े बड़े लोग थे तो उनने बोले कि यहाँ आ जाओ, बोले किंग्स बे में जी। तो हमने बोले ठीक है, तो यहाँ आए, यहाँ पे लोहिया सर ने फिर ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के दूसरे तीसरे दिन से ही मतलब एकदम अच्छा लगने लगा, रिलीफ हो गया। हाँ, और तीसरे दिन से मतलब फिजियोथेरेपी ने मुझे चलाए भी, और जो वॉल्व वाला होता है जी, वो भी करवाए जी। NBC न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।